गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 बादल कैसे बनते हैं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 बादल कैसे बनते हैं। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे या उस पे हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे कि बादल, ये जो हम लोग आकाश में बादल देखते हैं, ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे एक कक्षा को दिखाया गया, कक्षा मतलब क्लासरूम, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और वो लोग कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। अचानक से उनके दिमाग में आता है कि बादल कैसे बनते हैं। जब ये जिज्ञासा आती है तब उनके क्लास में एक टीचर आती है और उस टीचर से ये लोग पूछते हैं और वो टीचर उन्हें अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके, मतलब दिखा कर बताते हैं कि कैसे बादल बनते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। ये रहा हमारा चैप्टर, आज मैं इसको पढ़ रही हूँ ताकि तुम लोग सुनो और इसको समझो। एक बार एक कक्षा में सभी बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। एक कक्षा के बारे में बताया गया है, वहाँ पे जितने बच्चे थे बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थे। कोई पसीना पोंछ रहा था तो कोई किताब या कॉपी से हवा कर रहा था। गर्मी होने के कारण पसीना आ रहा था तो कुछ लोग पसीना पोंछ रहे थे और कुछ लोग अपनी ही किताब और कॉपी से ऐसे ऐसे करके हवा कर रहे थे। अचानक ये क्या हुआ, मौसम एकदम बदल गया और बहुत ही सुहावना हो गया। अचानक उन लोगों ने देखा एक बदलाव हुआ मौसम में, मौसम एकदम से बदल गया और सुहाना मतलब बहुत अच्छा हो गया। काले काले बादल आकाश में मंडराने लगे। जो काले रंग के बादल हैं वो आकाश में चारों तरफ घूमने लगे, घिर गए, मतलब काले बादल से वो लोग घिर गए। मोर भी पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, जैसे वे मौसम का स्वागत कर रहे हैं। वहां पे देख रहे हैं जितने भी मोर हैं, मोर पक्षी है, वो भी इस मौसम का आनंद लेना चाहते हैं और वो आनंदित होकर कर अपने पंख फैला के नाचने की तैयारी कर रहे हैं। और उसको देख के लगता है कि वो भी इस मौसम का स्वागत कर रहे हैं। बदलते मौसम के कारण कक्षा में शोर होने लगा। सभी बच्चे अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे। जब मौसम बदल गया सभी बच्चे वही देख रहे थे और इसके कारण से कक्षा में शोर होने लगा, चारों तरफ आवाज होने लगी और वो लोग अपनी अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी अध्यापिका मतलब एक फीमेल टीचर, और मेल टीचर को अध्यापक कहा जाता है। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार आ रहा था कि बादल कैसे बनते हैं, क्योंकि वो लोग सब लोग ने देखा एकाएक मौसम बदल गया, चारों तरफ बादल छा गए, तो उन लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा था कि बादल बनते कैसे। इसलिए वे अपने टीचर का वेट कर रहे थे, अध्यापिका का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएंगी और ये लोग पूछेंगे। अध्यापिका के आते ही बच्चे अपने दिमाग में उठने वाले प्रश्नों को पूछने लगे। जैसे ही उनके क्लास में उनकी अध्यापिका आई तो उन लोग के दिमाग में जो भी प्रश्न थे वो लोग झटाझट पूछने लगे। सबसे पहले सुनील ने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। क्लास में एक बच्चे का नाम सुनील था, वो खड़ा हुआ और उसने पूछा, मैम ये बादल कैसे बनते हैं। अध्यापिका बोली, ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बादल के बारे में ही बताऊंगी। जब अध्यापिका ने सुना सबके मन में बादल को लेकर इतने प्रश्न हैं, तो उन्होंने बोला, आज मैं सबको बादल के बारे में ही पढ़ाऊंगी बताऊंगी। अध्यापिका ने शीला से कहा, शीला यहाँ पे एक छात्री मतलब छात्रा का नाम है, लड़की, शीला तुम थोड़ा सा पानी ही जमीन पर गिरा दो। उन्होंने शीला से कहा कि जमीन पे थोड़ा सा पानी गिरा दो। शीला ने जब जमीन पर पानी गिराया तो सबने देखा कि
कुछ ही क्षणों में पंखे की हवा से पानी सूख गया था। जब शीला ने पानी गिरा दिया तो क्या हुआ, हवा चल रही थी, गर्मी भी थी, पंखा भी चल रहा था, उसके कारण से पानी सूख गया। ठीक, अब अध्यापिका ने बिजली से चलने वाली केतली लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया। अब अध्यापिका ने क्या किया, उन्होंने बिजली से चलने मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो केतली मतलब केटल, इलेक्ट्रिक केटल उसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली केतली, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और केतली को गर्म करने के लिए स्विच ऑन कर दिया। और केतली को क्या किया, गर्म करने के लिए स्विच ऑन कर दिया। बच्चों ने देखा कि पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ गया था। बच्चों ने क्या देखा, जो पानी था वो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा था। उसमें जब पानी दिया, पानी का स्विच पानी गर्म करने के लिए स्विच ऑन किया, तो जब पानी गर्म हुआ उसके बाद भाप बनकर पानी ऊपर उड़ रहा था। अब बच्चों को समझ में आ गया था कि बादल कैसे बनते हैं। अब बच्चे इस को देखकर समझने लगे कि बादल कैसे बनते हैं। सुनील ने कहा, मैम अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। इस चीज को देखने के बाद सुनील ने कहा, अब मैं बादलों के बारे में बता सकता हूँ। अध्यापिका के कहने पर सुनील ने सबको बताया कि कैसे सूरज की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र या झील से पानी भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। अध्यापिका ने क्या बताया, सुनील को बोला कि सबको बताओ। फिर सुनील ने क्या बोला कि जो सूरज होता है उसकी गर्मी से जितने भी नदी हैं, तालाब है, वो सारे उसमें जो पानी है वो सारे गर्म हो जाते हैं और वो फिर भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़ जाते हैं। वहां भाप बूंदे बनकर आपस में जुड़ जाती है और बड़े बड़े काले बादल बन जाते हैं। और जब यही भाप ऊपर जाती है तो वहां वो बूंदे बन जाती है, तो एक छोटा बूंद दूसरे छोटा बूंद से एक साथ अटैच हो जाता है, एक साथ जुड़ जाता है और वो बूंदे बड़ी बूंदे बन जाती है और फिर उसी से वो बड़े बड़े काले बादल बन जाते हैं। ठीक है, उन्हीं बूंदों से मिलकर वो बड़े बड़े काले बादल बन जाते हैं। इतने जोर से गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे, वे कागज की नाव बनाने में लग गए। इतने में क्या हुआ, बाहर जोर से गड़गड़ाहट मतलब बादल जब टकराते हैं तो आवाज होती है, बिजली चमकती है और आवाज होती है, गरजते हैं बादल, तो ये गड़गड़ाहट हुई और थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। सभी बच्चे खुशी से झूम उठे, इसको देख के सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। वे कागज की नाव बनाने में लग गए, सभी के सभी क्या बनाने लगे, कागज की नाव। आधी छुट्टी खाने का समय में बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में कागज की नाव चलाई। आधी छुट्टी यहाँ मतलब लंच ब्रेक मतलब खाने का समय, उस पर बच्चों ने बारिश से जमा हुए जो जगह जगह पे बारिश का पानी जमा हुआ था उसमें अपनी जो ये कागज की नाव है डाल के उसमें नाव चला रहे थे। ये था पूरा स्टोरी, सबको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड पेज नंबर 26 में व्हाट मीनिंग्स है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। परेशान, परेशान मतलब व्याकुल। आकाश, आकाश मतलब आसमान। इंतजार, इंतजार मतलब प्रतीक्षा। केतली, चाय का बर्तन। बारिश मतलब वर्षा। सुहावना मतलब सुंदर और सुखद। स्वागत मतलब ग्रहण या मान्य करने का भाव। गड़गड़ाहट मतलब बादलों की आवाज। ये था आज का चैप्टर का वन मिनट। जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है लिखित, ये आज आप सभी का होमवर्क है, मैं पढ़ देती हूँ। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। जो सही होगा, यहाँ ऑप्शन दिया है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे
कौन पंख फैलाकर नाचने की तैयारी करने लगे, कबूतर, तोता कि मोर? मैं आंसर बता देती हूँ, मोर। सबसे पहले किसने प्रश्न पूछा, शीला ने, सुनील ने कि सुशील ने? हम लोगों ने अभी पढ़ा जब अध्यापिका घुसी थी तो सबसे पहले प्रश्न सुनील ने पूछा। नेक्स्ट, पानी क्या बनकर ऊपर की तरफ उड़ रहा था? पानी हवा बनकर, भाप बनकर, गैस बनकर, क्या बनकर ऊपर उड़ रहा था? पानी भाप बनकर ऊपर उड़ रहा था। बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में क्या चलाया? बच्चों ने बारिश में जमा हुए पानी में मोटर कार, रेलगाड़ी की, कागज की नाव? बच्चों ने कागज की नाव चलाई। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। अब इससे पहले वाला जो चैप्टर था क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन आंसर तीन में से हम लोग ने एक किया था और बाकी दो बचे थे, वो आज मैं बता दे रही हूँ और उसी को मैं लिखित भेजूंगी, उसको आपको करना है। नीम के पौधे लगाने से चोपड़ा अंकल को क्या डर था? नीम के पौधे लगाने से चोपड़ा अंकल को ये डर था कि कहीं ये पेड़ जब बड़े होंगे तो उनकी जड़ें उनके घर का नींव हिला देगी। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमती चोपड़ा की किस बात पर बच्चों ने तालियां बजाई? श्रीमती चोपड़ा ने जब कहा कि वे इन पौधों की सेवा और सुरक्षा करेंगी, तब जितने भी बच्चे वहां पे थे उन सभी ने ये सुनकर तालियां बजाई। ये था इसका आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा। तुम लोग का होमवर्क है चूज द करेक्ट आंसर, मतलब लिखित का हुआ, और जो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर है वो मैं लिख के भेज दूँ, उसे आप लोग लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद बच्चों।